Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on database and this is our lecture number 12. सबसे पहले हम डाटा को डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या चीज होती है. हम कहते हैं कि डाटा जो है वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी एंटिटी से रिलेटेड या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है इन रियल वर्ल्ड, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उस पर्सन का डाटा है. तो हम कहते हैं कि डाटा जो है वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है. तो अगर हम किसी भी पर्सन का डाटा फाइंड कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, जो पर्सन है उसका नेम आएगा, पर्सन का जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके अंदर शो होंगे. सपोज पर्सन नेम, पर्सन का CNIC, पर्सन का टेलीफोन नंबर, पर्सन का एड्रेस वगैरह, तो जितनी भी चीजें उससे रिलेटेड है वो सारी की सारी उसके डाटा के अंदर शो होंगी. तो डाटा जो है वो हम कहते हैं कि साउंड्स भी हो सकता है, वीडियोस हो सकता है, ऑडियोज हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, ग्राफ्स हो सकते हैं, पिक्चर हो सकते हैं, कोई भी चीज जो है वो डाटा के अंदर आ सकती है. तो टाइप्स ऑफ डाटा को डिस्कस करते हैं. हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा. तो क्वालिटेटिव डाटा के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, जो उस पर्सन के एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते. और क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं. मेजरेबल जो डाटा होगा वो क्वांटिटेटिव डाटा होगा. तो क्वालिटेटिव में पर्सन के एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है तो वो कितना ऑनेस्ट है, तो उसकी क्वालिटी आ जाएगी. अगर कोई पर्सन है तो उसका कलर जो है वो कितना फेयर है, तो वो उसकी क्वालिटी में आ जाएगी. अगर कोई पर्सन है तो गुड बिहेवियर क्वालिटेटिव डाटा के अंदर शो हो सकता है. तो इस तरीके की जितनी भी क्वालिटीज है किसी भी पर्सन की वो क्वालिटेटिव डाटा के अंदर शो होगी. तो क्वालिटेटिव डाटा को हम मेजर नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि फलां पर्सन जो है वो कितना ऑनेस्ट है. और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे किसी भी पर्सन के एज उसको काउंट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की जो है हाइट है उसको काउंट कर सकते हैं. तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. और क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो मेजरेबल डाटा होता है. हाँ जी, डाटा के बाद हमारे पास जो डेफिनेशन होती है सिंपली तौर पर वो इंफॉर्मेशन की आती है. तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, कि जब डाटा को हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है. जिस तरह से हमने कहा कि सपोज हमारे पास एक फॉर्म सबमिट होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है तो हमारे पास एक फॉर्म सबमिट होता है. हम उसके ऊपर देखते हैं कि स्टूडेंट ने कौन कौन से अपने जो है क्वालिटीज जो है वो उसके ऊपर शो किए हैं, या कौन कौन सा डाटा उसके ऊपर शो किया हुआ. अगर स्टूडेंट का जो डाटा को जो हम काउंट कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, तो अगर वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एट्थ क्लास से रिलेटेड है, तो हम डिस्कस करते हैं कि हाँ जी ये एट्थ क्लास से इसको प्रमोट करके नाइन्थ क्लास में कर दिया जाए. तो वो डाटा जो होता है वो हमारे पास प्रोसेस हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है. तो डाटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है. तो ये जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास एक परफेक्ट आउटपुट होती है, लेकिन जो डाटा होता है उसको हम वो हमारे पास परफेक्ट जो है वो आउटपुट नहीं होती. इसी तरह इसलिए हम डाटा को जो है वो प्रोसेस करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास डाटा की कुछ डेफिनेशन दी गई है. तो हम कहते हैं कि डाटा बेस जो है वो क्या चीज होती है. डाटा बेस जो है ये एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है और वेल ऑर्गेनाइज डाटा होता है, यानी उसको बड़े अच्छे तरीके से बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसके ऊपर काफी मेजरिंग करके जो है वो ऑर्गेनाइज उसको किया जाता है. अ डाटा बेस इज अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा दैट हैज अ रेगुलर स्ट्रक्चर एंड दैट इज ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट कंप्यूटर कैन इजीली फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. सपोज हमारे पास एक कंपनी है, उसके अंदर 1000 जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं. तो 1000 एम्प्लॉयज का जो डाटा होगा वो अगर हम एक जगह पे स्टोर कर दें और उसको वेल ऑर्गेनाइज कर दें तो हम कहते हैं कि ये हमारी डाटा बेस है. और डाटा बेस के अंदर जो डाटा होता है उसको हम इजीली फेच कर सकते हैं, इजीली डाटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, बड़े ही आराम से बड़ी फ्लेक्सिबल वे में जो डाटा होता है वो उसके अंदर स्टोर होता है. अ डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेट.
वही बात आ जाती है, डाटा बेस जो है इसमें जो हमारा पूरे का पूरा डाटा होता है वो एक जगह पर कलेक्ट होता है, उसको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तरतीब देते हैं। इसीलिए तरतीब देते हैं कि जो डाटा है वो हमारे पास इजीली एक्सेस हो जाए, उसको हम मैनेज कर सकें और उसको हम अपडेट भी कर सकें। अपडेट से मुराद के अगर किसी भी एम्प्लॉय ने जो है वो काम छोड़ दिया है, कंपनी छोड़ दी है, तो उसकी जगह अगर हम न्यू एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं तो वो जो है हमारे पास डाटा जो है उसका रिकॉर्ड हमने अपडेट करना होता है। तो सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन है, डाटा बेस कलेक्शन इज अ कलेक्शन लॉजिकली रिलेटेड डाटा। तो डाटा को हम लॉजिकली रिलेटेड कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉयज का डाटा साइड पर कर दें, फिलहाल प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉय है उनका डाटा एक साइड पर तरतीब दे लें। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं यानी डाटा बेस जो है उस वहाँ उसको हम क्या कहते हैं कि एक तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है उनको हम एक ही जगह पर स्टोर करते हैं और वो वेल ऑर्गेनाइज डाटा होता है, डाटा बिल्कुल तरतीब में होता है और उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन हमारे पास इजीली हो जाती हैं, उसके ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं इंसर्शन डिलीशन ये सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एक डाटा बेस जो है इसकी यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, डाटा को जब हम वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में तरतीब दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो एक ही स्ट्रक्चर के या मल्टी स्ट्रक्चर आ जाते हैं पर्सन के, तो हम कहते हैं कि हर स्ट्रक्चर का जो ये डाटा उसको हम एक साइड पर कर दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो प्रोडक्ट लाइन इसका हमने डाटा साइड पर कर दिया है, या जिस तरह ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स के अंदर डाटा शो हो रहा है, तो उन डिफरेंट टेबल्स डाटा है उसको हम ये रिलेशनशिप्स के में शो कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप को हम पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट लाइंस का जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट के साथ होता है और जरूर होता है, और प्रोडक्ट्स का जो रिलेशन होता है वो ऑर्डर डिटेल्स के साथ कि जब हम प्रोडक्ट को हम की डिटेल फाइंड कर लेते हैं या उसका किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है तो वो उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती हैं उसका हमने साइड पर टेबल बनाया हुआ है। इसी तरह से जब ऑर्डर्स डिटेल्स होती हैं तो जब ऑर्डर्स आते हैं तो हम ऑर्डर डिटेल्स को देखते हैं और ऑर्डर्स कौन करता है वो कस्टमर्स कर रहे होते हैं और कस्टमर्स जो है वो पेमेंट भी करते हैं। तो इसी तरह से कस्टमर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज जो हैं वो कहाँ पे काम कर रहे थे ऑफिस में, तो ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है इसका आपस में रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि ये फलां का जो रिलेशन है वो फलां स्ट्रक्चर के साथ नहीं है या फलां कस्टमर का जो रिलेशन है वो फलां जो कस्टमर है उसका उसके साथ नहीं है या एंड सो ऑन। जी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में मौजूद है डेटाबेस के एडवांटेजेस। तो डेटाबेस के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से कोई भी जो कंपनी है या कोई भी जो ऑफिस है वो प्रेफर करता है कि उसकी अपनी एक डेटाबेस होनी चाहिए ताकि डाटा जो है वो तमाम का तमाम जो डाटा उसके अंदर स्टोर होना चाहिए। एडवांटेजेस में आ जाता है शेयरिंग ऑफ डाटा। अगर हमारे पास डेटाबेस बनी हुई है और वो एक डाटा जो है वो सेंट्रल एक सेंट्रलाइज डाटा पड़ा हुआ है तो हम उसको नीरोसेक्ट्स के अंदर किसी भी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं कि ये हमारा डाटा है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी कि जब हमारा डाटा जो है वो एक सिंगल जगह पर स्टोर होता है तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो बड़ी जरूरी होती है, तो इस तरह से जब हम उसकी सिक्योरिटी पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर देते हैं तो जो है हमारा डाटा जो है वो वेस्ट नहीं होता, उसको कोई भी पर्सन हैक नहीं कर सकता, इस तरह से हमारी जो डाटा की सिक्योरिटी होती है वो मेंटेन रहती है। इन्फोर्समेंट ऑफ डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना और वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं उन सबको मेंटेन रखना जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी से मुराद ये है कि हमारे पास डाटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं होता, डाटा जो होता है वो एटॉमिक होता है, वो सिंगल वैल्यूज होती है कि एक पर्सन का मल्टीपल डाटा हमारे पास मौजूद नहीं होता बल्कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी पर्सन की मौजूद होती है डाटा बेस के अंदर। अवॉइडेंस ऑफ इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस फाइल्स जो हमारे पास फाइल्स होती हैं या जो फाइल्स हम किसी के साथ शेयर कर रहे थे वो कंसिस्टेंट होती हैं, परफेक्ट होती हैं, कोरेक्ट होती हैं, उसके अंदर ये नहीं होता
کہ ملٹیپل فائلس پڑی ہوئی ہیں یا ہم نے ایک فائل شیئر کرنی تھی دوسری فائل جو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر چلی گئی ہے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے کریکٹ رہتا ہے پرفیکٹ رہتا ہے مینٹیننس آف انٹیگریٹی تو مینٹیننس آف انٹیگریٹی یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ہم نے رولز اپلائی کیے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے اوپر آپریشن ڈیلیشن یہ ڈفرینٹ طرح کی تو وہ جو رولز ہوتے ہیں وہ مینٹین رہتے ہیں ڈیٹا بیس کے اوپر اپلائی رہتے ہیں ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے تو ڈیٹا انڈیپینڈنس کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کسی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ فلاں ٹیبل جو ہے اگر اس کا وہ اسٹور نہیں ہوا تو دوسرا ٹیبل بھی اسٹور نہیں ہوگا یا اس طرح سے کہ ہم نے فلاں فائل کو سیو نہیں کیا تو دوسری فائل جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی سیو نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے جو ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ انڈیپینڈ ہوتا ہے ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا کسی کے اوپر جی یہاں پہ ہے ایڈوانٹیجز آف ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ایڈوانٹیجز تو سیم ہی ہے تقریباً پروگرام ڈیٹا انڈیپینڈنس کہ پروگرام اور جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنس ہوتا ہے جو کہ جو پروگرام سپوز ہم ایم ایس ایکسیس کے اندر ہماری ڈیٹا بیس ہے تو اس کے اندر جو ہم ڈیٹا ڈیلیٹ اگر کوئی ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو وہ جو پورا پروگرام ہوگا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہی ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا اگر ہم اپڈیٹ کریں ڈیٹا کو تو پورا پروگرام جو ہے پورا سافٹ ویئر جو ہے اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے بلکہ سمپل جو ہمارا ڈیٹا ہوگا وہ اپڈیٹ ہوگا تو انسولیشن بٹوین پروگرام اینڈ ڈیٹا الاؤز چینجنگ ڈیٹا اسٹوریج اسٹرکچرز اینڈ آپریشنز وداؤٹ ہیونگ ٹو چینج دی ڈی بی ایم سکسیس پروگرامز تو وہی بات آ گئی کہ ہم پورے پروگرام کو چینج کرنے کی بجائے جو سمپل جو ہمارا ڈیزائر ڈیٹا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں ایفیشینٹ ڈیٹا ایکسیس ہمارے پاس جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل ویز ہوتے ہیں ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے کہ کسی بھی ڈیٹا کو اگر ہمیں ایکسیس کرنا ہے تو بہت سارے ویز ہو سکتے ہیں یہ ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے یہ ڈیٹا کے اوپر آپریشن پرفارم کرنے کے جیسے ڈیٹا کو ہم اسٹور کر رہے ہیں یا ریٹریو کر رہے ہیں تو یہ سارے جو آپریشن ہیں اس کو پرفارم کرنے کے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی بفور انسرٹنگ سیلری آف این امپلائی دی بی ایم ایس کین چیک دیٹ دا ڈپازٹ بجٹ از ناٹ ایکسیڈڈ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹیگریٹی کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم امپلائیز کی جو سیلری ہے اس کو ہم دے رہے ہیں تو جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہے کہ کیا آیا ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ ہم سیلری جو ہے وہ دے رہے ہیں انفورسز ایکسیس کنٹرولز دیٹ گورن واٹ ڈیٹا از ویزیبل ٹو ڈیفرنٹ کلاسز آف یوزرز تو یہ جو آپ کا بالکل یہ وہ والی ایگزامپل ہوگی جو آج ہم نے ایڈمولو پہ جو آپ کا کوئز تھا وہ ہم نے پہلے کافی دیر پہلے ہم نے شو کر دیا تھا لیکن آپ لوگوں کو شو نہیں ہو رہا تھا تو یہ جو ہے یہ بھی ڈیٹا بیس کی ایک ایکسیس ہے کہ وہ تب کنٹرول پر پرووائڈ کرتا ہے جب آتھورائز پرسن اس کو ایکسیس دیتا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی